और अभी हम आ रहे हैं किट्टू को स्कूल छोड़ कर के, मतलब बस पे चढ़ा करके, और यहाँ पे है लिफ्ट में लाइन नहीं, तो हमको जाना होगा सीढ़ियों से। और मेरे घुटने की हालत हो रखी है खराब, तो जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि यहाँ खड़े रह नहीं सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्या भारद्वाज। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मैं पिछले ब्लॉग को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये जो थाली तैयार की थी ना, मैंने इसकी वीडियो शूट की थी, बट थोड़ा सा रीज़न के कारण ये वीडियो मेरा डिलीट हो गया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। हेलो एंड गुड इवनिंग। और इस वक्त हम हो गए काफी अंधेरा, तो हम आ रहे हैं अभी अपनी ड्यूटी से। तो हम अभी आ रहे हैं और ये है मेरा थैला जो कि हम सब्जियां वगैरह उधर से लेते हुए आ रहे हैं। और अब जस्ट आए हैं, अभी बज रहे हैं, आई थिंक बज रहा है, अभी बज रहे हैं 6:45 बज गया मुझे घर आते आते। और अब मैं यहाँ से जस्ट घर घुसूंगी और वापस जाना है दूध लाने के लिए, तो इतना टफ रूटीन होता है हमारा। फिर मैं मॉर्निंग में सारा खाना वगैरह बना करके चली गई थी, तो कोई वीडियो वगैरह दिन भर में बना नहीं पाई। अभी जस्ट मैं रिटर्न हो रही थी घर, तो किट्टू चला गया था तब तक ट्यूशन, और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी सब्जियाँ वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर के, जब मैं उधर से रिटर्न होती हूँ तो सोचती कुछ ना कुछ लेके ही उधर से आ जाऊँ, अदरवाइज़ के फिर वापस से जाना बड़ा ही टेंशन लगता है, और लौटते लौटते ना शाम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी मेरे पास चाबी है या नहीं, क्योंकि चाबी की प्रॉब्लम हो जाती, कभी भूल जाती कभी नहीं होता है, तो संजोग से मेरे पास चाबियाँ थी। तो मैं घर आई, घर आने के बाद देखा कि किट्टू कुछ लाइट वगैरह जला दिया था और बाकी सारे जगह अंधेरे पड़े हुए थे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। और मैं इतनी थक हार के घर आई थी ना कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था बहुत। ये देख पा रहे हैं मेरे घर में 3 दिन से पड़ा हुआ है, किसी को ये खाया ही नहीं जाता है, क्या बोलेंगे, हमारे घर की बातें ही ऐसी होती है। और फिर ओके, और अब मेरी हो गई है हालत ख़राब, तो अब मैं संझा बातें दूंगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी कहाँ, वो क्या कहते हैं, चश्मा। सर में दर्द हो जाता है इतना, पूरे घर की लाइट जलानी बाकी है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। उसके बाद है पूरे घर का किचन का लाइट जला हुआ है, और आज जो है ना ये देख पा रहे पूरा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है, जूठा बर्तन सारी चीज़ें, बिकॉज कि आज मेरी हेल्पर नहीं आने वाली है तो मुझे ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और बाहर भी पूरा अंधेरा हो रखा है, कपड़े बहुत सारे धुलने के लिए हैं। मैं सुबह सुबह चली गई थी ना, तो सारे काम मेरे ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहाँ का भी लाइट जला हुआ है। मैं पूजा रूम देख लेती हूँ कि पूजा रूम का लाइट नहीं जला हुआ है, पूजा रूम बिल्कुल अंधेरा सा है। और मैंने किट्टू से कहा था कि संजय बाती का डेरा हो रहा है तो तुम लाइट जला देना, लेकिन ये बच्चा जो है ना मेरा
सुनने का नाम नहीं लेता है। मेरे आने से पहले ना वो चला गया ट्यूशन। मेरा पूजा रूम का व्यू जो कि इतना सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है। अभी फिलहाल मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं दूध लेके ही आऊँगी, उसके बाद चेंज करूँगी। मेरे पॉकेट में है 10 रुपीज़ और एक। अब लग रहा है कि इतना थक गए। ओ माय गॉड, देखो थोला चा, देखो। अभी रात नहीं हुआ है, अभी छोने का बेरा है। और यहाँ पे आ गया है लाडू का फोन जो मैं वीडियो कॉलिंग पे कर रही हूँ। लाडू कौन है? लाडू है मेरी भाई की बेटी, प्यारी सी क्यूट सी। उसके बाद मैं शाम में, आज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं मेथी मलाई मटर सब्जी बनाऊं, तो आज मैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी। पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत 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 टेस्टी और यम्मी सी ये वाली सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया, यहाँ प्याज कट करके रखा है और लहसुन भी कट करके रखा है। थोड़ी सी मेथी ली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर मेरे मटर जो है वो बॉयल हो रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, और आप चाहे ना तो पानी के साथ बॉयल करके भी इसको वाइट ग्रेवी में बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें अदरक लहसुन और प्याज हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है काजू। तो ये जैसे कि नाम से है ये मलाई वाली सब्जी बनती है, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। काजू तो ज़रूर ऐड करें, थोड़ा सा ये क्रीमी टेक्सचर देता है। और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा आपको भुनना है, हल्का सा, मतलब ये थोड़ा सा गल जाए ना प्याज उतना तक आप इसको भून लें। सारे लोग अलग अलग रेसिपी शेयर करते हैं, मैंने किसी रेसिपी को फॉलो नहीं किया है। मैं ये थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा इधर उधर से करके मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे कढ़ाई पूरे जल गए थे, तो मैं इसमें ये वाली मेथी कट करके रखा हुआ था इसको बस ऐसे ही डाल दिया थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। मेथी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना देर इसको पकाना है। इधर मैंने सारे मसालों को ले लिया है मिक्सी में, थोड़ा सा मसाले ठंडे हो जाए ना तब करें। इसे बहुत रात हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा गर्म ही डाल दिया था। इसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई ली है क्योंकि वो वाली कढ़ाई थोड़ी सी जल चुकी थी, तो उसमें अगर मैं जले वाले में बनाती ना थोड़ा सा उसका फ्लेवर और बुरा हो जाता। तो मैंने फ्रेश कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है। तो इस तरीके से आप अच्छे से जो है इसको तड़का लगा लें। फिर इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, जस्ट लाइक लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने पिसे हुए जो हमारे मसाले थे उन सारे मसालों को मैंने कर दिया है इसमें ऐड, और थोड़ा सा डाला है हल्दी, थोड़ा सा डाला है मैंने रेड चिल्ली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। और उसके बाद इधर मैंने लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, क्रश की हुई काली मिर्च है। तो काली मिर्च देने से थोड़ा सा, अगर आप क्रीमी टेक्सचर वाली बनाते हैं थोड़ा सा काली मिर्च ज़रूर ऐड करें तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं पका रही हूँ अच्छे से। मसाले जब मेरे बहुत अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बॉईल किए हुए मटर और ये मेरा मेथी जो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट करके रखा हुआ था। इस तरीके से आप मेथी को थोड़ा सॉफ्ट कर ले, उसके बाद डालें। मैं लेके आई थी फ्रेश मेथी, बहुत ही जनरली मैं देखती हूँ कि ये ड्राई मेथी से भी बनता है, बट मुझे लगता है कि फ्रेश मेथी से जितना इसका टेस्ट अच्छा आएगा उतना ड्राई मेथी से नहीं आएगा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ भर के एक कटोरी दूध डाला है क्योंकि ये मेथी मलाई मटर है, तो इसमें जो है दूध जाना मस्ट है, तभी ये क्रीम वाला टेक्सचर इसका आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी, मैंने पानी नहीं डाला, आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने सारा दूध का ही यूज किया। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है चीनी क्योंकि जब तक ये, अगर आप कोई क्रीमी मतलब फ्लेवर की सब्जी बनाओ ना तो थोड़ा सा चीनी ऐड कीजिएगा तो एक अलग ही उसका जो मीठा मीठापन आता है ना वो और अच्छा लगता है सब्जी को। से ये नमकीन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करती हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने डाला है फ्रेश वाला क्रीम घर वाला,
आप चाहें तो मार्केट की क्रीम भी यूज कर सकते। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना, इतनी टेस्टी कि मत ही मैं बता नहीं सकती। कल रात में सारे लोगों ने बहुत ही मतलब मन से इसको खाया है। इसमें सबसे एंड में मैंने इसमें नमक ऐड किया है। स्टार्टिंग में नमक ना दें क्योंकि दूध और क्रीम है ना तो वो फटने के चांसेस रहते हैं, तो सबसे एंड में मैंने इसमें नमक डाला है। तो ये सब्जी बहुत 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 लाजवाब बनी थी। कभी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइए तो फिर बताइएगा हमें कि कैसा लगा ये। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।